वेलकम बैक टू आई सी कैरपी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपके कुछ जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं सारे बच्चों के उसके बारे में बात करने वाला हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आप लोगों के, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कंफ्यूजन है, आपके जो डाउट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप अपने एग्जाम्स को बेहतर तरीके से कैसे दे पाएंगे, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। सबसे पहले मैं जो डाउट लूंगा वो मेरे पास एक डाउट आ रखा है केशव मोहन का। इन्होंने पूछा है, भाई अगर ओबीई पोर्टल नहीं चल रहा है तो क्या डायरेक्ट 7:30 बजे से पहले भी मेल कर सकते हैं? यानी कि देखो, मेल करने की दो टाइमिंग है। अगर आपका एग्जाम सुबह 9:30 का है तो आप 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में मेल कर सकते हैं, और अगर आपका एग्जाम 2:30 से 2:30 बजे से स्टार्ट होता है तो आप शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच मेल कर सकते हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा है, तो अगर आपका पोर्टल नहीं भी हो रहा है ना, फिर भी आपको मेल उसी टाइमिंग पे करना है जो मेल करने की टाइमिंग है। यानी कि अगर आप 9:30 बजे का एग्जाम टाइम है तो आप 2:30 से 3 बजे के बीच में मेल करेंगे, और अगर आप सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो मेल है वो करने का टाइम है 7:30 से 8 बजे का। तो दोस्तों अब आता है मेरे पास जो कमेंट है वो मोहित जी का है। सर टाइम निकल गया है मेल करने का कल, तो क्या आज मेल कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो मोहित भाई और मोहित के तरह जो दूसरे मोहित हैं या दूसरे स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आपका मेल करने का टाइम निकल गया है तो आप अगले दिन उस मेल को नहीं कर सकते। जिस दिन आपके जो एग्जाम की डेट है उसी दिन उसी एग्जाम्स का ही मेल जाएगा, उसी का ही कंफर्मेशन मैसेज आपको आएगा। यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन आप उस एग्जाम को मेल कर सकते हैं, नेक्स्ट डे नहीं कर सकते। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मेरे को तो करना है, तो अगर आप कर दो, करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार अगर हो सकता है मे बी वो कंसीडर कर लें। वैसे तो गाइडलाइन के हिसाब से वो कंसीडर नहीं होगा, बट अगर बाय चांस उन्होंने कंसीडर कर लिया तो भाई आपका लक है, तो अगर आपको करना है तो कर दो। नेक्स्ट कॉमेंट आता है हमारे पास, वो है फुकरे बंदे। इनका डाउट ये है कि भाई मैंने 5th सेमेस्टर का एडमिशन ही नहीं ले पाया, एग्जाम तो 6th सेमेस्टर के साथ होगा, तो भाई एडमिशन अभी लेना पड़ेगा या फिर 6th सेमेस्टर के साथ 5th सेमेस्टर का भी एडमिशन लेना होगा? देखो, जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर का एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो उनका साल तो खराब नहीं होगा, पहले तो आप ये टेंशन अपने दिमाग से हटा दो। अगर आपने 5th सेमेस्टर का एडमिशन नहीं लिया है तो 6th सेमेस्टर के साथ आपका एडमिशन भी हो जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। क्लियर है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों अब हमारे पास जो डाउट आता है वो आता है समीर खान का। ये पूछते हैं, सर अगर किसी का एग्जाम पोर्टल और मेल दोनों पर ही अपलोड नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज टेल। तो दोस्त, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने पोर्टल पे भी नहीं भेजा और अगर आपने मेल पर भी नहीं भेजा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस सब्जेक्ट में आपकी मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अब बैक आ जाएगी या ER आ जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, एबसेंट हो जाएंगे, तो उसका एग्जाम होगा आपका 6th सेमेस्टर के साथ। क्लियर है? लेकिन अगर आपने दोनों पे अपलोड नहीं किया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सनी राज आर्यन। इनका डाउट आता है, भाई मैंने आज फी पेमेंट किया है 5th सेमेस्टर का, क्या बाकी का बचे हुए एग्जाम दे सकता हूं, जो 1 रह गया उसका क्या होगा? ठीक है, देखो अगर आपने आज पेमेंट की है, 1 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका छूट गया है, तो जो छूट गया है उसको छोड़ दो, जो बचे हुए हैं उनका आप एग्जाम दे दो। एग्जाम देने के लिए पोर्टल पे तो आप दे नहीं पाओगे, तो आप मेल करके दे देना बाकी जो 3 बचे हुए सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? मेल कैसे करना है वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो बचा हुआ सब्जेक्ट है ना, जिसका एग्जाम आपका छूट गया है, तो उसका जो एग्जाम है वो होगा आपका 6th सेमेस्टर के साथ। ठीक है, 6th सेमेस्टर के साथ उसका एग्जाम हो जाएगा और वहां पे आपका वहीं पे एग्जाम हो जाएगा, उसी के साथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बात करते हैं नीतीश पाल। इन्होंने पूछा है, पोर्टल पर क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करें? क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए अगर पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, आप SOL की वेबसाइट पर SOL टाइप करेंगे, SOL की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर क्लिक करेंगे, तो आप SOL की साइट पर जाएंगे, SOL की जो ऑफिशियल साइट है, तो जैसे ही आप SOL की साइट पर जाते हैं वैसे ही सामने ही वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि यहां से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कहां लिखा होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कमेंट मेरे पास ये भी आया हुआ है कि सर जो कंफर्मेशन मैसेज है वो मेरा आया है नहीं आया है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें बता देता हूं। देखो, जो लोग पोर्टल पर अपने आंसर को अपलोड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केस उन्हीं बच्चों का तुरंत या कुछ देर बाद ही कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है अगर वो अपनी सही टाइमिंग पर PDF को अपलोड करते हैं, और अगर मान लो कि टाइम निकलने के बाद अपलोड करते हो तो वहां पे फिर कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता है, ऐसा भी हो रहा है।
दूसरा, ईमेल वाले जो बच्चे हैं जो ईमेल कर रहे हैं उनमें भी कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है। तो देखो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, अगर कंफर्मेशन आए या नहीं आए, अगर आप अपना पीडीएफ सही टाइमिंग पर अपलोड कर रहे हैं तो आप सही टाइमिंग पर अपलोड कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ये आपके बहुत काम आए। आप ये मत सोच के चलिए कि कंफर्मेशन आएगा तभी हम सेटिस्फाई फील करेंगे। ऑब्वियसली कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है तो सेटिस्फाई तो फीलिंग होती ही है, लेकिन कभी कभी सही टाइमिंग पर अपलोड करने के बाद भी आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस स्क्रीनशॉट लेकर रखना जो भी आप चीजें अपलोड करते हैं। क्लियर हो गया कंफर्मेशन से रिलेटेड आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैसेज आए या नहीं आए, आपको सही टाइमिंग पे अपलोड करना है, सही टाइमिंग पे अपलोड करके स्क्रीनशॉट लेके रखना है, यही आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। और जब आप सही टाइमिंग पे अपलोड करते हैं तो ऐसे उसको कंसीडर करेगा, और कंफर्मेशन दे या ना दे लेकिन आपका रिजल्ट तो पक्का आएगा। दोस्तों ये थे आपके कुछ कॉमन डाउट्स जो मेरे पास आए थे, और मैंने काफी डाउट्स की रिप्लाई तो आपको YouTube की जो वीडियोस है उनमें ही कर दिए थे, बट ये डाउट्स मुझे लगा कि सबको बताने चाहिए तो मैंने आप सबके सामने ले आया। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।